मथुरा का दौरा किया थाने पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर। अपील की शांति पूर्वक तरीके से मनाए बकरा ईद का त्योहार। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ कोरोना का भय अभी भी बना हुआ है और दूसरी तरफ बकरा ईद का त्यौहार नज़दीक है। ऐसे में मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। आने वाले त्यौहार पर मुंब्रा में कानून व्यवस्था बनी रहे, साथ ही कोरोना पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो गाइडलाइन जारी किया गया है, मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, ये जरूरी है। ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर और डीसीपी एसएस बुरसे, एसीपी घोसालकर, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट, पीआई अरुण शिरसागर, पीआई अफरोज गुल मुजावर में काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। डीसीपी एसएस बुरसे ने बताया कि ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने कोरोना की वजह से बकरा ईद की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसे फॉलो करने का निर्देश दिया है। प्रतीकात्मक तौर पर कुर्बानी हो, मगर जो लोग बकरे ऑनलाइन खरीदी किए हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से कुर्बानी करें और बकरा ईद का त्यौहार मनाएं। डीसीपी एसएस बोरसे ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। कमिश्नर साहब ने जो कोरोना है चल रहा है वो जो बकरी ईद का त्यौहार आ रहा है जी, मुस्लिम भाई हमारे जो है उनका त्यौहार है जी, उसके लिए बंदोबस्त का कैसा अरेंजमेंट है उसका उन्होंने अड़ावा दिया जी, और जो तैयारी है उससे वो खुश है। सर, आने वाले बकरा ईद को लेकर क्या कहा? सीनियर पीआई साहब ने भी बताया कि मुंब्रा वासी जो है वो भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और ये जो त्यौहार है एकदम शांति और उत्साह से मनाया जाएगा और कुर्बानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रतीकात्मक किया जाए ऐसा शासन ने आदेश दिया है। जिन्होंने खरीदा है वो पिछले बार जैसा किया है वो उस तरह से खरीद किया जाएगा।